मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। I wake up at 5 o'clock in the morning। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। I wake up early in the morning। उठने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ। After getting up, I freshen up। फिर मैं ब्रश करता हूँ। Then I brush। फिर मैं अपना मुंह हाथ धोता हूँ। Then I wash my face and hands। मैं सुबह की सैर के लिए जूते पहनता हूँ। I wear shoes for morning walk। ठीक 5:30 बजे मैं घूमने निकल जाता हूँ। I go out for walking at exact 5:30। रास्ते में मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ। I meet my friend on the way। फिर हम दोनों साथ में घूमने जाते हैं। Then we both go for walking together। चलने के दौरान हम अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। While walking, we talk about our studies। हम दोनों अंग्रेजी में बात करते हैं। We both speak in English। आइए मैं आपको हम दोनों के बारे में थोड़ा बता दूं। Let me tell you a little about both of us। मेरा दोस्त 11वीं क्लास में है और मैं 9th क्लास में। My friend is in 11th standard and I am in 9th standard। हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। We study in हिंदी मीडियम स्कूल। मेरा दोस्त हर क्लास में टॉप करता है। My friend tops every class। मेरे दोस्त 10वीं क्लास में पूरे राज्य में टॉप किया है। My friend has topped the entire state in class 10th। मैं भी 10वीं में टॉप करना चाहता हूँ। I also want to top in class in 10th। इसके लिए मैं अभी से जंप पर पढ़ाई कर रहा हूँ। For this, I am already studying hard। मैं गणित और अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर हूँ। I am a little weak in maths and English। मैं गणित के लिए ट्यूशन लेता हूँ। I take tuition for maths। और अंग्रेजी का मैं खुद तैयारी करता हूँ। And I prepare English myself। मैं अपने दोस्त से भी मदद लेता हूँ। I also take help from my friend। मेरा दोस्त भी मेरा बहुत मदद करता है। My friend also helps me a lot। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। We both are good friends। हम दोनों अंग्रेजी में बात करते हुए मैदान की ओर जाते हैं। We both go towards the ground talking in English। हम पूरे रास्ते अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। We converse in English all the way। मैदान पर पहुंचने के बाद हम अपने कुछ सहपाठी और अन्य बच्चों से मिलते हैं। After reaching the ground, we meet some of our classmates and the other children। हम कभी कभी मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। We sometimes play football on the ground। हम कभी कभी बैडमिंटन भी खेलते हैं। We play badminton also sometimes। हम कभी दौड़ लगाते हैं। Sometimes we run।
हम हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे। हम ग्राउंड में रोज अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। वी प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स ऑन द ग्राउंड एवरी डे। मुझे क्रिकेट खेलना और दौड़ना ज्यादा पसंद है। आई लाइक मोर प्लेइंग क्रिकेट एंड रनिंग। मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट वेल। मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता हूँ। आई डू बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग। हम ग्राउंड में एक घंटा बिताते हैं। वी स्पेंड वन आवर ऑन द ग्राउंड। मैं 7 बजे घर वापस आता हूँ। आई कम बैक होम एट 7 o'clock। वॉक पर जाने से पहले मैं 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ। बिफोर गोइंग टू वॉक आई ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ हॉट वाटर। घर पहुँचने के बाद मैं नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। मैं अपने शरीर में थोड़ा थोड़ा तेल लगाता हूँ। आई अप्लाई आइल्स लिटिल बाई लिटिल ऑन माई बॉडी। मैं हर दिन अपने बालों में कंघी करता हूँ। आई कॉम माई हेयर एवरी डे। मैं भगवान की पूजा करता हूँ। आई वर्शिप द गॉड। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। आई सैल्यूट माई पेरेंट्स। फिर मैं अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता हूँ। देन आई टेक ब्लेसिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता का बहुत आदर करता हूँ। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स अलॉट। फिर मैं 1 कप चाय पीता हूँ। देन आई टेक अ कप ऑफ टी। कुछ देर बाद मैं अपने पिताजी के साथ नाश्ता करता हूँ। आफ्टर सम टाइम आई हैव ब्रेकफास्ट विद माय फादर। फिर मैं अपना स्कूल बैग रेडी करता हूँ। देन आई गेट रेडी माय स्कूल बैग। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी टू गो स्कूल। मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ। आई वियर स्कूल यूनिफॉर्म। मैं अपना टाई लगाता हूँ। आई पुट ऑन माय टाई। मैं सफेद मोजे के साथ काले जूते पहनता हूँ। आई वियर ब्लैक शूज विथ व्हाइट सॉक्स। मैं अपने बैग में टिफिन रखता हूँ। आई कीप टिफिन इन माई बैग। मैं अपने बैग को एक बार फिर चेक करता हूँ। आई चेक माई बैग वंस अगेन। बैग में पेन, पास बॉक्स, किताबें और नोटबुक जैसे सारी चीजें है या नहीं। डू हैव ऑल द थिंग्स लाइक पेन, कंपास बॉक्स, बुक्स एंड नोटबुक्स इन द बैग आर नॉट। फिर मैं बैग लेकर बाहर आता हूँ। देन आई कम आउट विथ द बैग। और मैं बस का इंतजार करता हूँ। एंड आई वेट फॉर द बस। मेरी बस ठीक 8 से 8:10 के बीच में आती है। माई बस कम्स एग्जैक्ट बिटवीन 8 and 8:10। बस के पहुंचते ही एक अंकल बस से उतरते हैं। एज सून एज द बस अराइव्स एन अंकल गेट्स ऑफ द बस। मैं उस अंकल को नमस्ते करता हूँ। आई से गुड मॉर्निंग टू दैट अंकल।
फिर मैं बस में चढ़ जाता हूँ। देन आई गेट ऑन द बस। मैं बस में खिड़की वाली सीट पर बैठता हूँ। आई सिट ऑन द विंडो सीट इन द बस। ये बस चलनी शुरू हो जाती है। देन द बस स्टार्ट्स मूविंग। मैं अपनी माँ को अलविदा कहता हूँ। आई से बाय मम्मी टू माय मदर। हमारी बस को स्कूल पहुँचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। अवर बस टेक्स अबाउट 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। हम सभी लगभग 8:30 में बस से उतरते हैं। वी आर गेट ऑफ द बस एट अराउंड 8:30। मैं अपना बैग क्लासरूम में रखता हूँ। आई कीप माई बैग इन द क्लासरूम। फिर मैं अपनी कुछ दोस्तों से मिलता हूँ। देन आई मीट माई सम फ्रेंड्स। फिर मैं अपने सहपाठी से मिलता हूँ। देन आई मीट माई क्लासमेट्स। जब प्रार्थना के लिए घंटी बजती है, when the bell rings for prayer, हम सब प्रार्थना स्थल पर जाते हैं। We all go to the prayer place. हम सभी कक्षा व कतार में खड़े हो जाते हैं। We all stand in a class-wise queue. मैं अपनी कक्षा की कतार के सामने खड़ा होता हूँ। I stand in front of my class row. प्रार्थना ठीक 8:40 में शुरू होती है। Prayer start correct 8:40. Thanks a lot.